काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर सलमान खान को अब तक दो रातें गुजारनी पड़ी हैं। सलमान रात भर सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी सुख सुविधाओं में कोई खास कमी होती नहीं दिख रही है। पिछली दो रातों से सलमान जेल के अंदर खूब सिगरेट फूंक रहे हैं। इससे न सिर्फ वहां के आम कैदी बल्कि हाई सिक्योरिटी वाले बैरक नंबर 2 में बंद सलमान के पड़ोसी आसाराम भी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि कल रात सलमान को सिगरेट पीता देख आसाराम उन पर भड़क भी गए थे। उन्होंने जेल कर्मियों से कहा, मुझसे मिलने तो कोई नहीं आता, सलमान सुपरस्टार है इसलिए उनसे मिलने जा रहे हो। गौरतलब है कि काला हिरण शिकार मामले में सलमान जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। जेल के अंदर पहुंचने के बाद से ही यहां सलमान का दबंग अंदाज देखने को मिला रहा है। इसकी वजह से पुलिस की किरकिरी भी हो रही है। हालांकि डीआईजी विक्रम सिंह ने सफाई दी कि सलमान जेल में आम कैदियों की तरह ही हैं, लेकिन सलमान की लाइफ स्टाइल को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वे आम कैदियों जैसे हैं। हालांकि दो रातों से सलमान जेल के अंदर ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। जेल में काफी मच्छर होने की वजह से उन्हें नींद नहीं आ पा रही है। मच्छरों से बचने के लिए उन्होंने ओडोमॉस लगाया। इस दौरान सलमान काफी रात तक जगते रहे और कई सिगरेट फूंक डाली।